तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर बहुत सारी टॉयलेट्स का वो है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, शाही, शाही। थोड़ा हम थोड़े मीडियम लेवल पे आ गए हैं, थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर सारे उनकी अलग अलग टाइप की डेकोरेशन, फ्रांस ये वाला देखिए टॉयलेट, इसमें क्या होता है, यहाँ पर खाते भी थे और फिर यहाँ पर निकालते भी थे। तो यहाँ पर खा के निकालने वाला सिस्टम है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये वाली जो उन्होंने बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हम सबको। ये एक बेसिकली थ्रोन है, ये राजा की थ्रोन है, और यहाँ पर हम लोग राजा बैठ के डिसीजन भी देते थे और करते भी थे। तो एक साथ दो दो तीन तीन मल्टीटास्किंग यहीं से आई है। क्या बोला तूने? तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, फिर दोबारा से एक टेबल वाला आ गया। तो ये सारी चीज़ें देख के हमारा दिमाग चकरा गया है और हम लोग काफी मतलब बहुत ही ज्यादा, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, ऐसा इंटरेस्टिंग है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें टॉयलेट के पीछे हो सकती हैं और इतने सारे मतलब लेवल्स हो सकते हैं और कैसे इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि ये देख पा रहे हो, मतलब आप सोच नहीं सकते कोई सोफे में बैठ के कैसे पार्टी कर सकता है, बट यहाँ पर लोगों का दिमाग बहुत तेज था। ये देखिए बाल्टी सिस्टम है, खजाना। ये बाल्टी सिस्टम होता था, इसमें जब ये लोग करते थे उसी की बाल्टी हटा के खाली करके दोबारा बाल्टी लगाई, वो फर्स्ट क्लास, पेट सफा, रोग दफा। ये देखो नाई की दुकान की चेयर नहीं है, ये भी एक वॉशरूम है, बट इसका डिजाइन अभी काटा नहीं गया, तो ये मॉडल है खाली। अरे कहना क्या चाहते हो? पर सारे फनी चीजें हैं, मतलब टॉयलेट जोक्स है, सारे टॉयलेट से रिलेटेड सब कुछ है, मैगजीन वाली चीजें हैं। और यहाँ पर है जो यहाँ पर टॉयलेट से रिलेटेड जितने भी आर्किटेक्चर है, फेमस टॉयलेट्स हैं और एक्सपेंसिव टॉयलेट, जैसे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड। तो ये नासा ने बनाया था, और यहाँ पर ये है कि इसमें टॉयलेट करने के बाद आप उसको ड्रिंक भी कर सकते हो। क्या बोला तूने? यहाँ पर रिसाइकल होता है पूरा ना, तो ये काफी, ये 19 मिलियन का है, सबसे $90 मिलियन वर्ल्ड कॉस्टलियस्ट टॉयलेट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। काफी ज्यादा यूनिक है। और ये एक उन्होंने बताया था कि यहाँ पर क्या कहते हैं, चाइना का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर जो कटलरी और जो हमारा क्रॉकरी है वो टॉयलेट के शेप में है, मतलब टॉयलेट्स के जितने भी वो होते हैं उनके शेप में है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब सुनने में बड़ा ही घिन आ गई। मूड खराब हो गया, पूरा मूड खराब हो गया। और आप ये खाना खाते समय तो बिल्कुल मत देखिए, ब्लॉग स्किप कर दीजिए, खाना खा लीजिए, रात को सोते समय जरूर देखें, क्योंकि सुबह अच्छी आएगी फिर। या फिर सवेरे देखिए, सवेरे सवेरे उठते ही, या तो सुबह सुबह उठ के देखिए, इट विल हेल्प यू, वहीं देखिए जहां पे हम हैं। तो आपको ये लोकेशन हमने बता दी है, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल टॉयलेट जो है हमारा डाबरी पालम रोड पे, जो आप पालम कॉलोनी आइए, नियरेस्ट मेट्रो यहाँ से दशरथपुरी है। तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रास्ता है, डाबरी पालम रोड इसका नाम है। आप सर्च करोगे तो आप सीधे यहीं पे आ जाओगे। और बहुत सारा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैं हम लोग कवर नहीं कर पा रहे सही से। ये वाला जो पोर्शन है ये है कैंपिंग, पोर्टेबल कैंपिंग वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, कैंपिंग में हमें पोर्टेबल चाहिए होता है, तो ये पोर्टेबल वाला सिस्टम है, आप इसको फोल्ड वोल्ड करके सब कुछ कर सकते हो। फिर ये बाकी सब यहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह है, यहाँ पर मतलब बेसिकली म्यूजियम है, तो सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कलेक्टिबल्स भी है, मतलब ये सारी चीज़ें कलेक्टेड हैं, गिफ्टेड हैं। जो यहाँ के फाउंडर थे हमारे ऑनरेबल बिंदेश्वर पाठक सर हैं, जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर हैं, तो इनको वर्ल्ड रिनाउंड हर जगह से इनको अवार्ड मिला हुआ है, इनको रिकग्नाइजेशन मिली हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पॉप जी है, तो इनको रिकग्नाइजेशन बहुत ज़्यादा मिला हुआ है यहाँ, जैसे आप देख पा रहे हो, तो काफ़ी रिनाउंड है। और ये इन्होंने ही इन्वेंट किया है पूरा, और इनका ही आइडिया था पूरा ये म्यूजियम का। और जैसा कि मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, इधर जल्दी मेरे पास कैमरा मैन को जल्दी बोलूँगा, जल्दी फोकस करें। ये आप देखते हो हिस्ट्री टीवी 18 की भी आ चुका है, ये मैं शो भी देखता हूँ, काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ उसका। तो ये शो आपने ज़रूर देखा होगा हिस्ट्री टीवी 18 पे, जो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, उस पर भी आ चुका है OMG मेरा इंडिया। और यहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन है।
और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं तो पूरे कंट्रीज के लगे हुए हैं और उनको हर जगह वो मिला हुआ है, एक्सीलेंस अवार्ड वगैरह, ये सारे अवार्ड्स हैं। तो गाइस यही था एक छोटा सा टूर। सो गाइस ये था एक छोटा सा टूर हमारा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम का। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो और हमने ट्राई किया एक्सप्लोर करने का, इसको हम शायद दोबारा कवर करें अभी अच्छे से। सो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी बायोगैस प्लांट है, ये देख सकते हो आप, जेनसेट लगा हुआ है, ये बायोगैस प्लांट है पूरा। ये सारी लाइट्स वाइट सब इसी से जलती हैं, यहाँ खाना भी इसी से बनता है बायोगैस से। सो ओके गाइस, फाइनली व्लॉग का एंड आ चुका है, अब हम ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा म्यूजियम आपको पसंद आया हो।